नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बरेसर थाना क्षेत्र के सत्यनगर गांव में मनवर युवक ने गांव के ही सूर्यभान चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के गाजीपुर बरेसर थाना क्षेत्र के सत्यनगर गांव में मनवर युवक ने गांव के ही सूर्यभान चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सूर्यभान अपनी बहन के गाँव से 3:30 पर अपने भांजे के साथ अपने गाँव सत्यनगर के लिए निकल रहे थे, तो रास्ते में मुजलिम अवधेश चौहान ने उनका रास्ता रोका और असलाहा सटाकर गोली मार दी, जिसकी गिरफ्तारी घटना के 2 दिन बाद थाना बरेसर में हुई है। गिरफ्तारी के आज 5वां दिन हो जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मृतक के परिजन बहुत परेशान हो रहे हैं। उन पर गांव के लोगों द्वारा ही दबाव बनाया जा रहा है कि आप सुलह कर लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। थाने पर जाकर पूछा जा रहा है कि सर कहां तक कार्रवाई हुई है, तो वहां से जवाब मिल रहा है क्या आपका काम हो रहा है, और मुलजिम जेल में बैठे वादी के परिजनों को देखकर हंस रहा है। इसको इस बात का कोई भी मलाल नहीं है कि हमने हत्या की है। मुजलिम के साथ एक और लड़का था जो अपने चेहरे को गमछे से बांधे हुआ था, उसकी कोई पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है। मृतक के माता और पत्नी रो रो कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले। अपना नाम बतलाइए। कृपवान चौहान। गांव? 4वां बांग सत्यनगर। मरने वाले आपके क्या लगते थे? मैं उनका छोटा भाई हूँ जी। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैं इंटर में पढ़ता हूँ। कहाँ पे? काशीनाथ एमएलसी में। एक बात बताइए कि जब आपको कितने टाइम पे खबर लगी कि जो है कि हमारे भाई के साथ ऐसा हादसा हो चुका है? लक्ष्म हादसा होने के तुरंत 5 मिनट बाद मुझे पता चल गया। फोन आया आपके पास? फोन ही आया जी। तो क्या बता रहे थे वो? ओ, मेरे भांजा बता रहा था कि मतलब यहाँ का लड़का है, गोली मारकर मामा को चला गया जी। तो जो है कि जो गोली मारा है, तो उनमें से किसी को पहचानते हैं आप? हाँ, उसमें एक को पहचानता और एक को नहीं पहचान सका। गिरफ्तारी किसकी हुई है? गिरफ्तारी जो पहचानता है उसी को गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी। उनका घर कहाँ पे है? यहीं पर है, सत्यनगर 4वां बांग। कोई पुरानी रंजिश या जो है कि कोई हादसा, कभी झगड़ा हुआ हो या जमीनी विवाद, कोई ये मैटर क्या चीज़ का था? ये जमीनी विवाद नहीं था, एक थोड़ा छोटा मोटा मतलब बोल्ट होल हो गया था और कुछ नहीं था। अच्छा। वो मारने के हमेशा धमकी दे रहा था, बोले थे कि 4 दिन के अंदर मैं दिखा दूंगा जी, गोली मार दूंगा ये कर जी। इसका कोई सबूत है आप लोगों के पास? नहीं, सबूत तो नहीं है, हम लोग इतना नहीं जान। जैसे जिस वक्त आप लोग के पास झगड़ा हुआ ये मारने के लिए कर रहे थे, तो आपके अलावा भी और लोग भी थे वहाँ पे? हाँ, हमारे घर वाले थे। घर के अलावा एक लोग भी थे। कोई था? हाँ था। तो वो जो है कि गवाही दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। तो इसके बारे में जो है कि कभी जो है कि झगड़ा हुआ, तो फिर जो है कि आप लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, आप पे FIR भी हुआ था? हाँ हुआ था, 151 का चालान हुआ था, हम लोग जाकर मतलब उसको खत्म कर दिए। अच्छा, खत्म करवा दिए। हाँ, तो उसके बाद भी कोई लफड़ा, कोई झगड़ा? नहीं, उसके बाद कोई झगड़ा लफड़ा नहीं हुआ। कभी आपके तरफ से या उनके तरफ से कोई ऐसा मैटर बात हुआ हो? हमारे तरफ से नहीं, लेकिन उनके तरफ से मारने की धमकी हमेशा दे रहे थे। अच्छा, पर धमकी दे रहे थे, कर भी दिए? हाँ। आप अपना नाम बतलाइए। मैं चंद्रशेखर चौहान, ग्राम जोगोसरा पोस्टपुर, जिला बलिया, थाना पकड़ी, तहसील सिकंदरपुर। एक बात बताइए, जिनका मर्डर हुआ है वो आपके क्या लगते थे? हमारे बहनोई लगते हैं जी। कब, कितने दिनों पहले शादी हुआ था आपका इनका? तकरीबन 7 साल पहले। 7 साल पहले? हाँ जी। तो ये जो है कि ये कांड हुआ है, तो जो है कि इसके बारे में जो है कि FIR चाहे जो है कि और भी जो है कि फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, तो उसके बारे में आप कुछ हमको जानकारी दे सकते हैं? सर, FIR हुआ है जी, लेकिन इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी। जो मुलजिम है वो पकड़ा गया है, लेकिन उसको चलान अभी तक नहीं की है, अपने पास ही इस थाने पर ही रखी है, बड़े सर थाने में ही रखी है अभी। अच्छा, आप जो है कि ये इनका जो चालान नहीं हुआ है, 4-5 दिन हो गया गिरफ्तारी हुए, तो इसके विषय में आपने अपनी जानकारी लेना चाहा? जाते हैं वहाँ पे तो ये SO साहब चाहे जो भी मिलते हैं वो बोलते हैं कि आप जाइए, हम अपना काम कर रहे हैं जी। आप अगर यहाँ रहेंगे तो हम आपका ही काम कर रहे हैं, आपका काम नहीं हो पाएगा। अच्छा। और 1 हफ्ता तकरीबन हो गया, 15 तारीख को मर्डर हुआ था, अभी आज 23 तारीख है, अभी तक चालान नहीं किया गया। पोस्टमार्टम के लिए किस तारीख को लेकर गए थे? पोस्टमार्टम के लिए हम 15 तारीख को लाश चली गई थी। 16 कितने बजे? रात को तकरीबन 10:30 बजे करीब, 11 बजे करीब चली गई थी लाश। रात को 11 बजे पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए? हाँ जी। और 16 तारीख को पोस्टमार्टम हो गया और लाश दे दी हमारे को, अभी तक 1 हफ्ता हो गया उसका भी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली।
अच्छा, तो आप थाने पर जब जाते हैं तो वहाँ पे मुलजिम देख रहा है, मुलजिम है या कि जमानत हो गया है? मुलजिम है, एक है जो मुलजिमात हैं वो हैं, लेकिन वो कोई उनके चेहरे पर नमी नहीं है, वो तो हंस रहे हैं। जी हाँ जी, कोई पूछताछ हो नहीं रही है उनसे। अच्छा, तो उनके जो है कि ये घटना होने के कितने देर के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, कितने दिनों के बाद? घटना हुई 15 तारीख को, 17 18 तारीख को तकरीबन इनका गिरफ्तारी हुई है। जी, तो इनको घर से पकड़ के लेकर गया गया कि वो जो है कि वहीं पे हाजिर हो गए? हाजिर किया गया, उधर ही से उधर हाजिर किया गया। जी अच्छा, ये FIR की कॉपी है क्या? हाँ जी, FIR की कॉपी है। इसमें जो है कि किसका किसका जो है कि वादी प्रतिवादी दोनों का जो है कि वो है, प्रतिवादी में क्या नाम है इनका? अवधेश चौहान। ये जो है कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इनके साथ में और कोई भी था? अज्ञात व्यक्ति है, वो पहचान में नहीं आया सर। जी, ये जो है कि FIR जो है कि कितने बजे लिखा गया? तकरीबन 10:30 बजे। तो क्या कह रहे थे वहाँ पे जो है कि आपसे पूछताछ किया गया होगा लिखने के लिए? वहाँ पे मैं आर्मी से हूँ, मैं मेरी बहन है जी, मेरे को पता चला कि ऐसे कांड हो गया है जी, तो मैं कैसे कैसे छुट्टी लेकर के यहाँ पे आया, क्यों यहाँ पे कोई न्याय मिल नहीं रही है, तो हमने सोचा कि चल के सरकार से गुजारिश करेंगे, सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हमको हमारी बहन को न्याय मिले। एक बात बताइए, आप जो है कि बरेसर थाने के अलावा और कहीं पे जो है कि अपनी बातों को रखे हैं? बात को रखे हैं, हम चिट्ठी लिखे हैं, लेटर अपने SP और आदित्यनाथ योगी और लखनऊ DGP और राज्यपाल जी, अभी कल हमने उसको स्पीड पोस्ट किया हुआ है जी, कल आप किए हुए हैं। सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ कहीं भी जा रहे हैं तो सब मिले हुए हैं और कुछ रंजिश है जो समझ में नहीं आ रही है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।